हेलो गाइस, वेलकम टू एफर्ट एम टू बी एम। हम जा रहे हैं केदारनाथ, दिल्ली से केदारनाथ। दिल्ली से पहले अभी हम हरिद्वार रुके थे, वहाँ स्नान किया। स्नान करके अभी हमें ऋषिकेश और ऋषिकेश से केदारनाथ। यू जीवर एट HR 58 C8981 ओके। डिपर आपको यहाँ यूज़ करना है, ना कि नाइट में। भैया जगह वगैरह मिलेगी? एक तो ये भाई ये वन वे रोड होते हैं ना, बड़े ख़तरनाक होते हैं, तो पहाड़ों वाले रास्ते हैं, तो भाई थोड़ा सा सोच समझ के ही चलाएंगे हम। यहाँ ये लोग उड़ा देंगे, इनका तो कुछ नहीं जा रहा, हमें ही थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा ना। What I like you, I like you. Hello guys, कैसा भी लग रहा है? अरे भाई केदारनाथ 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 केदारनाथ, कौन सा केदारनाथ की तरफ जा रहा है? कौन बताएगा? बच्चे तो नहीं बताएंगे। मालिक मालिक, केदारनाथ कौन सा रास्ता जा रहा है? यही है। थैंक यू सो मच जान। ये भाई ने हमें बता दिया केदारनाथ ही रास्ता जाएगा। अब जब भाई ने बता दिया तो हम जाएंगे इधर ही रास्ते में, है ना। ये दोनों तरफ जंगल है बॉस, दोनों तरफ जंगल है। इस जंगल से रात विरात तो ना आप लोग ट्रैवल कर नहीं सकते हैं, बिकॉज जंगली जानवर कोई ना कोई रोड पे मिलेगा ही मिलेगा। और अगर जंगली जानवर मिलेगा तो कितना ख़तरनाक है, इतना तो आप लोग भी समझ सकते हैं। दैट्स वाई हम लोग हरिद्वार में रुके थे, जब थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग हो रहा था, दिन थोड़ी रात, तब हम लोग रुक के पहले वहाँ स्नान किया। जब वहाँ से पूरी तरह दिन निकल गया, उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया अपना सफ़र, जो कि दिन होते होते हम लोग ऋषिकेश आ गए। अब दोनों तरफ जंगल भी है तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि आवाजाही काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तो फिलहाल चल रहे हैं अभी, आप लोग भी हमारे साथ साथ चलिए, दिव्य दर्शन करवाएंगे आपके, आपको केदारनाथ के। हर हर महादेव। रास्ता तो बड़ा, आज आप लोग बताओ रास्ता कैसा है। ये रास्ता हमारा जो दोस्त है ना बहुत आगे निकल गया होगा, तो उसका पीछा करना तो आई थिंक ज़्यादा फास्ट। ट्रक नंबर 16-13 देख रहे हो मालिक, इस ट्रक का मालिक 1613वां ट्रक, ये देखो 2025-18 आगे चल रहा है। केदारनाथ का रास्ता है गाइस जी, केदारनाथ का रास्ता है गाइस। रॉयल्टी बॉडी के मैंने दर्शन आप लोगों को करवा दिए, स्नान करवा दिया है, स्नान हो गया हमारा। और आपको मैं ऋषिकेश के भी टोटल व्यू रास्ते बढ़िया बढ़िया सब दिखाते हुए चल रहा हूँ। फाइनली मैं आपको केदारनाथ पहुँच, नॉर्मल ही रखेंगे। केदारनाथ सूखा पड़ा, आई थिंक पहले कोई रिवर हुआ करती होगी। नींद आ रही है भाई को, तो भाई की आंखों पे ना पहले पानी भरवा देते हैं। पानी मार लो भाई आंखों, पहले पानी मार लो, उतरो पानी मार लो, पानी मार लो, जब है नहीं पानी, नहीं है पानी, नहीं है तो यार पानी तो यहाँ कहाँ मिलेगा? पानी पानी ढूंढना है गाइस हमें, थोड़ा सा आँखों में पानी मारने के लिए, थोड़ी नींद आ रही है हम लोगों को। गुड़िया बेटा पानी में, पानी है तुम लोगों के पास? गुड़िया बेटा पानी कहाँ मिलेगा? नहीं शॉप के अलावा कोई किसी ने, वैसे नहीं टंकी वंकी, टंकी वंकी कहीं लगी है ऐसा नहीं है? पानी पानी नहीं पड़ा केदार में, लिखा तो आ रहा है
ये फाइनली हम लोग आ गए हैं ऋषिकेश की मेन सिटी में। अब मेन सिटी में हम लोगों यहाँ पर हम लोगों ने देखा तो यार अकॉर्डिंग टू दिल्ली बहुत फ्रेशनेस ही फील हुई। बाकी देखते हैं आगे कैसा क्या लगता है। अभी केदारनाथ हमसे 250 किलोमीटर दूर है। हो जाती है यहाँ पे, और हम बहुत खतरे वाले निशान, मतलब निशान नहीं, खतरे वाले रास्ते पर चल रहे हैं। हाँ, लैंड स्लाइडिंग हो जाती है वहाँ पे। ये देखो लैंड स्लाइडिंग हो रखी है, रास्ता साफ किया गया है यहाँ पे। ये हमारा दोस्त हमसे बोल रहा है हल्के चला, और खुद बूस्टर लगा रखा है बाइक में। खैचन खैच खैचन खैच, अच्छा लग रहा है पहाड़ों पे गाड़ी चलाना भाई साहब, इतना आसान नहीं है। राइडर गिरी सारी निकल जाती है यहाँ पर आके, तो लगता है इसे देख के तो हमें पता चल। ओहो, हमारा दोस्त जो है ना साहब, ये देखो पाजी को, देखो बिल्कुल पाजी डर नहीं लग रहा पाजी को। जय बोले सोनियाल शास्त्री अकाल, लुक, जय बोले सोनियाल शास्त्री अकाल। पाजी सिंगल है वो, डबल में हो, बस फारी बाइक है अपनी उलट खींच रहे हैं। और हम, ओहो पाजी की टोली है पूरी, पाजी की पूरी टोली है। वाओ, आई लाइक द व्यू। डू यू लाइक द व्यू गाइस? डू यू लाइक द व्यू? लुक भाई साहब, पाजी डर नहीं रहे बिल्कुल। या तो वो लोग ना एक्सपर्ट है, या यहाँ पे आते जाते रहते हैं, उन्हें पता है बाइक चलानी कैसे है। मेरा तो फर्स्ट टाइम है, तो भाई मैं तो बहुत डर के बाइक खींच रहा हूँ, बहुत डर के बाइक चला रहा हूँ, बहुत डर के इन द सेंस मतलब बहुत संभल के। भाई मैं बैठा हूँ, मेरा फ्रेंड बैठा है, ये दो जाने हैं, तो उसके भी घर वाले उसके लिए वेट कर रहे हैं, और मेरे भी घर वाले मेरे लिए वेट कर रहे हैं। मेरी मम्मी, भाई, मेरी बेटी सब वेट कर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा संभालना पड़ा। लेकिन गाइस, ये हमारा फ्रेंड जो है ना बहुत तेज चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है, बहुत तेज चल रहा रे, समझ जा, समझ जाएगा, समझ जाएगा बच्चा है। भाई ये देखो गाड़ी कहाँ से आ रही है, कैसे निकाल लिया, क्या करना है, तुम्हारा हाथ में नहीं है चीज़ें, लेकिन तुम्हें हमें हाथ में ही रखनी पड़ेगी। आप लोग देख सकते हैं गाइस, पहाड़ों में बादल, लैंडस्लाइडिंग देखो बॉस, कितनी सॉलिड लैंडस्लाइडिंग हुई है। इतना बड़ा पत्थर ऊपर से नीचे गिरा है, और जिस गाड़ी पे गिरा होगा या जिस पे भी, तो भाई उसका तो कचूमर ही बराबर हो गया होगा, खत्म। यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग यार आम बात है, यहाँ के लोग बताते हैं। ओ भाई साहब, लैंड स्लाइडिंग के गिरे हुए पत्थर से अभी हम बच गए।
तो ज़्यादा ही एक्साइटमेंट में ना गाड़ी को मैंने लेफ्ट साइड में दबा दिया था, और लेफ्ट साइड में जितना पत्थर पड़े हैं ना ऊपर से गिरे हुए उसी में लगने वाली थी, बच गए हम। भाई साहब पहाड़ों पे गाड़ी साइड में भी नहीं लगा सकता, आई थिंक मेरे हिसाब से लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते बताना, कैसे साइड में लगाएंगे, साइड से चिपका के तो गाड़ी हम ले जा रहे हैं, जब हम ले जा रहे हैं तो दूसरे ले जा जाएंगे, तो गाड़ी हम कहाँ लगाएं बताओ। और अब मुझे नींद आ रही है।